हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब ठीक ही होंगे और मस्त होंगे। तो आपका फिर से न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर है कि आपने सुना ही होगा 2000 के नोट अभी बंद होने जा रही है। तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब से अभी तक 2023 में 2000 की नोट अभी बंद होने वाली है। तो घबराने की बात कोई है नहीं। जिनके पास अभी आम लोगों के पास तो 2000 की नोट नहीं रहती, जो बड़े लोग रहते उनके पास, उनको घबराने की और उनको दिक्कत और परेशानी हो सकती है, लेकिन हमारी परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी जिनके भी पास है, आम लोगों के पास जिनके भी पास 2000 की नोट है, तो उसको मोहलत दी गई है अभी 4 महीने तक। अभी 23 जून से अभी चालू होने वाले, जारी होने वाले हैं कि आप चीज एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में जाके। देश के कौन से भी बैंक में जाके आप एक्सचेंज कर सकते, बदला सकते हैं। तो अभी 4 महीने से उसकी लास्ट डेट है, 30 सितम्बर तक आप 2000 की नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि अभी 2000 की नोट नहीं चलेगी, वे वैध मानी जाएगी। 30 सितंबर से वो वैध मानी जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2000 की नोट वैध हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जिनके पे पास, आम आदमी के बड़े के पास अभी 2000 की नोट होगी, तो जल्दी से जल्दी बैंक में जाके आप बदला सकते हैं, उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप बैंक में जाए, एटीएम में जाए, तो आपको विड्रॉल करेंगे तब 2000 की नोट मिलेगी, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। आम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब 2000 की नोट होती है तो उसके छुट्टे नहीं मिलते, जब अपन को छुट्टे चाहिए तब उसको छुट्टे नहीं मिलते। तो आपका क्या इस बारे में क्या कहना है, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आई होप मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जिनके पास अभी, आम लोगों के पास जिनके लिए अभी 4 महीने की मुद्दत दी है, तो आप तब तक के लिए अभी 2000 की नोट चलेगी, फिर 30 सितंबर के बाद 2000 की नोट अभी कागज जैसी रद्द हो और वो वैध मानी जाएगी। तो इसलिए आप अभी 4 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं, 4 महीने के बाद वो वैध मानी जाएगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी, या आपके पड़ोस में या आपके बगल में किसी के, आप एक फ्रेंड दोस्त कोई भी होगी, आपके रिलेशनशिप में जो भी होंगे, उनको बता दीजिए कि 2000 की नोट अब बंद होने वाली है। तो आपके पास जितने भी होंगे 2000 के, और आपको बता दूँ कि अभी एक दिन में आप सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 रुपये बैंक में जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर या उसके ऊपर आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते। इसलिए आपके पास पैसे 2000 के नोट होंगे, तो जल्दी से जल्दी बैंक में जाके आप उसको एक्सचेंज करवा दीजिए। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको पता नहीं है तो आपके फ्रेंड को भी बता दीजिए कि जल्दी से जल्दी कि अभी 2000 की नोट बंद होने वाली है। लेकिन उसकी भी कोई मर्यादा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो काला धन है उसको बंद करवाने के लिए 2000 की नोट अभी बंद करवाई है। जिनके पास भी अभी बहुत सारे पैसे है, बहुत सारा काला धन है, तो वो बाहर आ जाए। इसलिए अभी 2016 में अभी ये नोटबंदी हुई थी, तो बहुत सारा काला धन निकला था। तो इसे भी अभी 2023 में भी 2000 की नोट, जिनके भी पास काला धन है, वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। इसलिए अभी 2000 की नोट ये अभी ऐलान कर दिया, घोषित किया है कि 2000 की नोट अभी बंद होने जा रही है। तो जल्दी से जल्दी आपके पास होंगी तो 2000 की नोट अभी भी किसी भी देशों के किसी भी बैंक में आप एक्सचेंज या बदला जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी 2000 की नोट बैंक में जाके अभी एक्सचेंज या विड्रॉल या एक्सचेंज या बदला जा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।